हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। सो हमारे घर के पास ना रेलवे ट्रैक है, तो इसीलिए उसका साउंड आप लोगों को आ रहा होगा। दिसंबर का मॉर्निंग है तो फॉग तो होगा ही, और आज कृति का फर्स्ट डे एग्ज़ाम है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी आज थोड़ा उठ गई हूँ। नॉर्मली 6:30 को उठती हूँ क्योंकि जानकी आती है उस टाइम पे, बट आज 6 o'clock उठी हूँ कि जल्दी कृति को भी उठाओ ताकि वो भी आराम से रेडी हो सके। तो अभी तो फ़िलहाल वो सो रही है, और मिल्क का पैकेट भी मेरा अर्ली मॉर्निंग ही आ जाता है, मतलब 5:30 ऐसा आ जाता है। और सुबह ना हर घर से खाना बनाने का साउंड आता है, जैसे अभी विसल का साउंड आ रहा है, तो सुबह का जो एक एनवायरनमेंट होता है ना बहुत एनर्जेटिक होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। सो अभी मिल्क का पैकेट धो के मैं सबसे पहले मिल्क को उबालने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद बाकी जो कुकिंग है वो करूँगी। और आज कृति के लिए और टिफ़िन में जाएगा पूरी, वो भी मैदे वाला, तो उसका स्पेशल रिक्वेस्ट था कि मम्मा मुझे पूरी चाहिए। तो मैंने सोचा पूरी के साथ थोड़ा सा सत्तू का जो स्टफिंग है वो करके मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मैदा और आटा दोनों मिक्स करके डो को बनाया है, साथ में थोड़ा सा कलौंची और सॉल्ट दिया है, और गर्म पानी से ना इसको मलने से ना ये बहुत अच्छा रहता है। मतलब मैदा जब भी मैं मलती हूँ ना गर्म पानी से ही मलती हूँ। तो इस तरह से उसके लिए पूरी बना दूँगी, जो कि कचौरी भी बोलते हैं हम लोग। और साथ में मैं दूंगी पालक आलू की सब्जी, जो मैंने रात को ही बना के रख दिया था। अभी विंटर का मॉर्निंग है ना, तो ये इस टाइप का सब्जी वगैरह मैं रात को बना के रख देती हूँ, तो थोड़ा सा इजी रहता है। और स्मॉल ब्रेक के लिए मैं उसको फ्रूट्स देती हूँ, जैसे आज मैं उसको पपाया दे रही हूँ, और पपाया उसको काफ़ी पसंद है, सो पपाया दे रही हूँ। कभी एप्पल दे देती हूँ, कभी कुछ ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ। और जब वो सुबह बेड को ठीक ठाक करती है ना, तो ऐसे ही करती है, मतलब किसी भी तरह से काम को ख़त्म करना होता है उसका। जल्दी उठने से क्या होता है ना कि वो खुद का काम खुद कर सकती है। वैसे बैग वगैरह तो रात को ही पैक करके रख देती है। कृति ने ये वाला ड्राइंग किया है, वो जो छोटा कैनवास वो ले रही थी ना, उसको ना ये सब छोटे छोटे चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। बड़ा वाला कैनवास लेके ड्राइंग करो एक, यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे। और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कुछ हैवी खिला के उसको स्कूल भेजूँ, क्योंकि सिर्फ मिल्क वो लेना नहीं चाहती है, मिल्क के साथ रोटी मिक्स करके मैं देती हूँ, क्योंकि होता है ना एक टेंशन नहीं रहता है कि वो टिफिन खा रही है या नहीं। Have a nice day. Ta-ta. All the best. Bhalo kore porikha debe. Ta-ta. Ta-ta. और कृति स्कूल चली गई है,
मैं अभी किचन में ही हूँ क्योंकि मैं अभी लंच बनाऊंगी, साथ में अतनु के लिए ब्रेकफास्ट भी। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत दिनों के बाद मैं ये रूटीन फॉलो कर रही हूँ। बिफोर लॉकडाउन मेरा ये रूटीन था कि कृति स्कूल जाने के बाद मैं लंच का प्रिपरेशन कर लूँ, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पालक आलू और बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। इसमें ना थोड़ा सा अदरक डाल के मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है बिना ऑनियन और लहसुन का। सो थोड़ा सा धनिया, जीरा और थोड़ा सा सॉल्ट, अदरक डाल के ये बहुत टेस्टी बनता है। साथ में जो बोड़ी होता है ना, वो इसका टेस्ट दुगना कर देता है। और अभी मैं बना रही हूँ विंटर का स्पेशल दाल। मूंग का ही दाल है और रेगुलर बेसिस का ही तड़का लग रहा है यहाँ पे, लेकिन विंटर वाली जो टमाटर है ना, उसकी टेस्ट थोड़ा अलग होता है, और साथ में जब धनिया पत्ता जाता है वो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ग्रीन चिली के साथ मैं तड़का लगाती हूँ और मूँग की दाल और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। सो यहाँ पर मेरा लंच जो है वो भी रेडी है और साथ में अतनु का ब्रेकफास्ट भी। अतनु रोटी के साथ ये सब्जी और दाल लेगा और मैं राइस के साथ राइस भी बना के मैंने रख दिया है। और कभी कभी मन करता है तो राइस बाद में भी बना लेती हूँ, गर्मा गर्म राइस बना के खाती हूँ। और यहाँ पे ना आज गार्डन पे दो दो हाइबिस्कस आया है, एक रोज़ आया है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब गार्डन ना पूरा एकदम और भी ज़्यादा खिल उठता है। और अभी अतनु ऑफिस के लिए रेडी हो गया है। कृति को स्कूल छोड़ के आने के बाद अतनु नहा के पूजा करके रेडी हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। सो अभी वो निकलेंगे और उसके बाद मैं मेरा जो छोटा मोटा काम है वो सब करूँगी। कृति रहेगी स्कूल में। कृति रहेगी स्कूल में। अच्छा, ओहो, কেমন হলো পরীক্ষা? ভালো হয়েছে। আমার একটা এক্সাইটিং নিউজ আছে। কি এক্সাইটিং নিউজ? আমার বুচ্চের জিনিস কে নিয়ে এসেছি। কি ভারী দেখ। হ্যাঁ, তুই এত কেন নিয়ে এলি? বলেছিলাম এত তো নিয়ে আসেনি। তুই ইউ বক্স নিয়ে এসেছিস। এসার অফিস সুপার। और कृति स्कूल से आने के बाद साथ में हम लोग लंच कर रहे हैं। मैंने ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत राइस खा लिया था, तो अभी 4 बज गए हैं और ज़्यादा खाने का मन भी नहीं कर रहा है। अतनु ने रोटी लिया है और ये जो चिंगड़ी माछ विथ मोचा आप देख रहे हैं ना, ये मेरे फ्रेंड ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। मेरा मॉर्निंग का जो बिज़ी रूटीन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने सुबह 6 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।